गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. माई सेल्फ डॉक्टर अंजू बेनीवाल. आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट मियां गर्ल्स कॉलेज उदयपुर. आज आप लोगों के सामने मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ उसका टाइटल है कल्चर या संस्कृति. बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस विषय के चुनाव के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि हम लोग संस्कृति का हिस्सा है. संस्कृति के बिना मानव की कल्पना भी नहीं की जा सकती. तो संस्कृति अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए. और बीइंग अ स्टूडेंट आप सब लोगों को संस्कृति के बारे में आपने बहुत पहले पढ़ा भी होगा और आप लोग जानते भी होंगे. इसलिए संस्कृति कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसे आप पहली बार सुन रहे होंगे. लेकिन आप अगर हम प्राचीन काल से बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आदि काल के अंदर जो मनुष्य शिकार करता था, पशु को शिकार करके खाता था, उसके पास अपनी कोई भाषा नहीं थी, अपने कोई रीति रिवाज प्रथाएं परंपराएं नहीं थी, कोई एक जीवन जीने का कोई स्पष्ट तरीका नहीं था. तो उस वक्त कह सकते थे वो सिविलाइज नहीं था, कल्चर्ड नहीं था, उसके पास संस्कृति नहीं थी. और ये संस्कृति जो थी उस वक्त उसे हम पशु के समान मान सकते थे. और संस्कृति ने मानव को पशु से अलग किया क्योंकि जहां संस्कृति है वहां मनुष्य पशु से बिल्कुल अलग हो जाता है, सिर्फ एक संस्कृति के एस्पेक्ट पर जाकर. तो इस टॉपिक के अंदर हम बहुत सारे विषयों को, संस्कृति के जो तत्व हैं उनकी स्टडी करेंगे. हम जो संस्कृति के वेरियस एस्पेक्ट हैं उसका इवोल्यूशन उसकी स्टडी करेंगे, उसकी विशेषताओं को जानेंगे, उसके प्रकारों को जानेंगे. तो हम शुरू करते हैं इसके इवोल्यूशन से कि बेसिकली लेस्ली व्हाइट जो था उसने अपनी बुक द इवोल्यूशन ऑफ कल्चर उसमें सबसे पहले उसने बताया कि प्रकृति ने बेसिकली मनुष्य को कुछ ऐसी शारीरिक विशेषताएं दी हैं जिसके कारण कि वह संस्कृति का निर्माता बना. कुछ ऐसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो मनुष्य के अंदर हैं जो कि पशुओं के अंदर नहीं होंगे, उन कैरेक्टरिस्टिक्स उन विशेषताओं के कारण मनुष्य ने संस्कृति का निर्माण किया. और उन विशेषताओं के अंदर हम देखते हैं तो सबसे पहली विशेषता है हाथ घुमा सकने की क्षमता. ये कैपेसिटी सिर्फ मनुष्य के पास है कि वो हाथ को किसी भी डायरेक्शन में किसी भी दिशा में घुमा सकता है. और इसके साथ साथ जो अंगूठे की एक विशिष्ट स्थिति है उसके कारण भी वो लिखने का काम कर सकता है, भवन निर्माण का काम कर सकता है, वो सारी एक्टिविटीज कर सकता है जो कि एक पशु नहीं कर सकता. सेकंड है तीक्ष्ण दृष्टि, यानी किसी भी घटना को देखने का जो कैपेसिटी है, जो एक विशेषता है वो मनुष्य के अंदर ही है कि वह घटनाओं को बहुत अच्छे से देख सकता है, उनके बेस पे निष्कर्ष निकाल सकता है, उसके बेस पे वो एक नवीन खोज कर सकता है, कोई नई चीजों को अस्तित्व में ला सकता है. और ये कैपेसिटी सिर्फ मनुष्य के पास है कि वो चीजों को समझ सकता है और उसके अकॉर्डिंग अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकता है. भाषा जो कि विचारों के प्रस्तुत करने में सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है, हम बिना भाषा के अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचा सकते. भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है और इसी भाषा के कारण संस्कृति को हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संचारित करते हैं या पहुंचाते हैं. अगर मनुष्य के पास भाषा नहीं होती तो संस्कृति उसी के साथ खत्म हो जाती, नेक्स्ट पीढ़ी को वापस नए तरीके से संस्कृति का विकास करना पड़ता. फोर्थ है मेधावी मस्तिष्क. मस्तिष्क का निर्माण, सभी पशुओं में भी मस्तिष्क है, मनुष्य में भी मस्तिष्क है, लेकिन जो मनुष्य का मेधावी मस्तिष्क है उस मस्तिष्क के अंदर लॉजिक्स ढूंढ सकता है, तर्क चीजों को विचार कर सकता है, संस्कृति का विकास कर सकता है जो कि पशु नहीं कर सकता. इस मेधावी मस्तिष्क के कारण ही आज हम ई लर्निंग के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह बैठे हुए क्लासेस के अंदर अपने लेक्चर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं. ये हमारे मेधावी मस्तिष्क की ही देन है, अदरवाइज ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल होता. पांचवी विशेषता है सीधे खड़े हो सकने की क्षमता. जनरली पशु जो होते हैं वो चार पैरों पर चलते हैं, मनुष्य दो पैरों पर चलता है, उसके दो हाथ फ्री होते हैं और वो इन दो हाथों की सहायता से कोई भी दूसरे उपयोगी कार्य जो होता है वो कर सकते हैं. अब एक सवाल हमारे मस्तिष्क में आता है कि संस्कृति क्या है. बेसिकली जब मैं इतनी देर से संस्कृति संस्कृति शब्द यूज कर रही हूँ तो हमें ये पता होना चाहिए कि संस्कृति होती क्या है. इनिशियल के अंदर हम देखें तो संस्कृति का निर्माण जो था वो संस्कृत भाषा से इसकी उत्पत्ति को माना गया. और ये कहा गया कि संस्कृति जो है वो उसका अर्थ होता है परिष्कृत किया हुआ. ये
संस प्लस प्र धातु से बना हुआ है, सम प्लस प्र धातु से बना, जिसका अर्थ होता है परिष्कृत किया हुआ। इसके अंदर जो भी चीजें परिष्कृत हुई हैं, जो भी डिफाइंड फॉर्म में हमारे सामने आई हैं, वो संस्कृति के अंतर्गत रखी गई हैं। दूसरा इसकी उत्पत्ति का कारण माना गया संस्कार, यानी कि मनुष्य जन्म से मृत्यु तक अनेक संस्कारों को संपादित करता है और वो सारे के संस्कृति के अंग होते हैं, उसका हिस्सा होते हैं, उसका पार्ट होते हैं। तीसरी चीज मैंने आपको बताया जो है उसको जैविक की प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाने के अंदर संस्कृति का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। संस्कृति व्यक्ति के समग्र जीवन से संबंधित होती है, उसके जीवन के हर पार्ट से जन्म से मृत्यु तक वो सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण करता है और उन्हें दूसरी पीढ़ी को संचारित करता है। लेकिन ये एक जीवन जीने का तरीका है जिसके द्वारा मनुष्य जो है वो एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है, समाज में रहने योग्य बनता है और सामाजिक विशेषताओं को प्राप्त करता है। संस्कृत की जो एक फेमस डेफिनेशन है वो टायलर ने दी थी अपनी पुस्तक में प्रिमिटिव कल्चर, और उसने बताया था कि टायलर एक बहुत ही प्रसिद्ध मानव शास्त्रीय है, और इन्होंने बताया कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, कथा तथा इसी प्रकार की सभी क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। यानी इसमें जो ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, कथा, ये सारे के सारे संस्कृति के अभौतिक पक्ष को दर्शाते हैं। तो टायलर की परिभाषा में जो एक सबसे बड़ी कमी हमें जो लगी उसमें ये कि इसमें भौतिक पक्षों का उल्लेख उन्होंने नहीं किया, और उन्होंने बताया कि मनुष्य जो कुछ भी सीखता है, समाज से जो कुछ भी प्राप्त करता है, वह सब संस्कृति है, और संस्कृति एक विरासत है, समाज से मिला हुआ एक उपहार है। और टायलर ने अपनी परिभाषा के अंदर उसी चीज को स्पष्ट करने का प्रयास किया कि इन सब चीजों को मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा, सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण करने का प्राप्त करता है और इन सब ग्रहण करता है। तो उसके लिए समाजीकरण की प्रक्रिया जो होती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण निभाती है। इस प्रक्रिया के दौरान ही मनुष्य उन सभी सामाजिक व्यवहारों को सीखता है जो कि समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत ही अनिवार्य होते हैं। एक और मानव शास्त्री हर्स्कोविट्स बहुत ही प्रसिद्ध मानव शास्त्री थे, और इनकी ये डेफिनेशन बहुत कॉमन डेफिनेशन है जो कि बच्चों ने पहले की क्लासेस में पढ़ी भी होंगी, और ये हमेशा याद रखने वाली डेफिनेशन भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि उन्होंने अपनी पुस्तक मैन एंड हिज वर्क्स में दी थी कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। कल्चर इज अ मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, यानी कि मनुष्य ने जो कुछ भी बनाया है, जिन भी अपने चारों ओर जिन भी वस्तुओं का निर्माण किया है, ये सभी संस्कृति के अंतर्गत आती है। हम अगर मानव शास्त्रियों के अकॉर्डिंग देखें या हमारे समाज शास्त्री थे फेयरचाइल्ड, उन्होंने कहा था कि प्रतीकों द्वारा सामाजिक रूप से प्राप्त और संचारित सभी व्यवहार प्रतिमानों का सामूहिक नाम संस्कृति है। जितने भी हमारे व्यवहार प्रतिमान है अगर उनको हम एक साथ कंबाइन कर ले तो उसको हम संस्कृति के रूप के अंदर मानते। व्यवहार प्रतिमान क्या होते हैं? समाज के द्वारा स्वीकृत और मान्य व्यवहार जो होते हैं वो व्यवहार प्रतिमान कहलाते हैं, जिन्हें की समाज की स्वीकृति मिली होती है, और हमसे बीइंग अ सोशल सोशल एनिमल हम अपने आप को कहते हैं, तो बीइंग अ सोशल बीइंग हमसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है, हमसे ये उम्मीद की जाती है कि समाज के द्वारा निर्धारित जो व्यवहार प्रतिमान होते हैं उसके अनुसार ही हमारा व्यवहार होना चाहिए ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे, और उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज द्वारा निर्धारित व्यवहार प्रतिमानों के अनुरूप हमारा आचरण होना चाहिए, और ये हमारे जो व्यवहार प्रतिमान होते हैं वो हमारी संस्कृति कहलाते हैं। हमारे बोलने का तरीका, हमारे खाने का तरीका, हमारे उठने का तरीका, बैठने का तरीका, दीज ऑल आर कल्चर, ये सब हमारी संस्कृति है। और अगर हम मानव शास्त्रियों को भी देखें, समाज शास्त्रियों को देखें, उन सभी ने एक ही विचार दिया कि बेसिकली संस्कृति क्या है। संस्कृति विचार करने का, अनुभव करने का और जीवन व्यतीत करने का एक तरीका है, एक संपूर्ण विधि है, एक प्रोसेस है, एक मेथड है, और जो कुछ भी मनुष्य ने अपनी बुद्धि और अनुभव से बनाया है और
जिसको वो फॉलो कर रहा है वो सब संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो संस्कृति जो है उसको एक व्यवहार प्रतिमानों की समग्रता के रूप में देखा जा सकता है। अब हम देखेंगे कि संस्कृति के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कल्चर के। तो उसकी सबसे पहली विशेषता है संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। देखिए मनुष्य जब जन्म लेता है तो संस्कृति के साथ जन्म लेता है, उसे सीखता है, समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखता है। होगल ने कहा था ये कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का योग है। जो भी व्यवहार प्रतिमान मनुष्य सीखता है उसको हम कंबाइंड फॉर्म के अंदर कल्चर कहते हैं। संस्कृति यानी सीखी जाती है। जन्म से व्यक्ति संस्कृति को सीखकर नहीं आता है, समाजीकरण की प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे वह सीखता है, सामाजिक प्रतिमानों को सीखता है और उन सीखे हुए व्यवहारों के योग को हम संस्कृति कहते हैं। चाहे हमारे रीति रिवाज हो, प्रथाएं हो, परंपराएं हो, इन सबको मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते सीखता है, समाज में रहकर सीखता है। और व्यक्तिगत व्यवहार को हम संस्कृति नहीं कह सकते। अगर कोई एक व्यक्ति अपना व्यवहार करता है और हम कहें कि हाँ ये संस्कृति है, नो। संस्कृति का मतलब ये होता है कि समूह के द्वारा किया गया व्यवहार है और मान्य है समाज के द्वारा, उसे ही हम संस्कृति के अंतर्गत रखते हैं। व्यक्तिगत व्यवहार को संस्कृति के अंतर्गत नहीं रखा जाता। दूसरा है कि संस्कृति समूह का आदर। मनुष्य जिस भी समूह का सदस्य होता है उस समूह के कुछ अपने आदर्श होते हैं, कुछ व्यवहार प्रतिमान होते हैं और समूह ये एक्सपेक्ट करता है कि व्यक्ति उसका सदस्य होने के नाते उन व्यवहार प्रतिमानों को फॉलो करे, उन नियमों को फॉलो करे, उन नियमों के अनुसार आचरण करे और अगर उन नियमों के अनुसार आचरण करता है तो व्यक्ति के लिए वो एक आदर्श के रूप में कार्य करती है, वो उसके लिए आइडियल होती है और उसको उसके अनुसार उसको फॉलो करना होता है और वो ये मानता है उसके अनुसार व्यवहार करना पड़ेगा उसको। और हिंदू मुस्लिम या दक्षिणी भारतीय हम किसी को भी ले लें, सब की अपनी एक संस्कृति होती है और सब अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृति से श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि वो अपनी संस्कृति को आदर्श मानते हैं। तीसरा है संस्कृति में सामाजिकता का गुण है। मैंने बताया समाज का सदस्य होता है, समाज में रहता है, समाज के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती और मनुष्य के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। और मनुष्य जब जन्म लेता है तो संस्कृति के साथ जन्म नहीं लेता, समाज में आकर समाज में रहकर सामाजिक नियमों को फॉलो करके सांस्कृतिक नियमों को सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण करके संस्कृति को ग्रहण करता है। तो संस्कृति का संबंध व्यक्ति विशेष से नहीं होता वरन पूरे समाज से होता है। परंपरा, भाषा, कला आदि संपूर्ण समाज के विशेषताओं को प्रकट करते हैं। हम कह सकते हैं कि संस्कृति के अंदर सामाजिकता का गुण होता है। संस्कृति जो होती है समाज से संबंधित होती है, व्यक्ति समाज में व्यवस्था के लिए आवश्यक होती है, समाज के सदस्यों के द्वारा बनाए गए नियम होते हैं जिनको कि होता है और समाज में रहने के लिए व्यक्ति को संस्कृति को अपनाना जरूरी होता है। अनुकूलन का गुण होता है। अडेप्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि हमारी कल्चर के अंदर अडेप्टेशन की एक बहुत बड़ी क्वालिटी पाई जाती है। हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति जो होती है गतिशील होती है और वो परिवर्तनों के अनुसार अपने आप में अनुकूलन कर लेती है। जैसे कि रेगिस्तान में रहने वाले लोग या बर्फीले प्रदेशों में रहने वाले लोग